वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम आए हैं फिर से आपके लिए उज्जैन शहर में और आज हम आए हैं डिसेंट कार बाज़ार पे और यहाँ आपको दिखाने जा रहे हैं, मेरे पीछे देख सकते हैं बहुत सारा कलेक्शन है और आज आपको सारा कलेक्शन दिखाएंगे। एक वीडियो में आपको 5 सीटर गाड़ी दिखाएंगे और एक वीडियो में आपको 7 सीटर और साथ में 12 सीटर आपको तूफान दिखाएंगे। तो ये वीडियो आपको 5 सीटर वाला देखने को मिलेगा। तो बहुत सारी गाड़ी होने वाली है, बहुत सारा कलेक्शन आपको यहाँ देखने को मिलता है। तो रोनक मोटर और डिसेंट कार मोटर दोनों को मिला के देखें तो 100 का कलेक्शन आपको हमेशा देखने को मिलेगा और बहुत ज़्यादा गाड़ी होने वाली है। तो बहुत शानदार गाड़ी होने वाली है। शानदार से मतलब ये है कि आप आइए, चेक करिए, चेक करने के बाद में आप अच्छे से करके ले जाइए, क्योंकि आपकी जिम्मेदारी आप निभाइए। आप चाहे तो मैकेनिक ला सकते हैं, आप चाहे तो शोरूम पे जाके दिखा सकते हैं, मतलब आपके ऊपर अच्छा है। यहाँ से आपको पूरी फैसिलिटी मिलती है और आज आपको वीडियो में मज़ा आएगा क्योंकि आज आपकी मनपसंद गाड़ियाँ भी देखने को मिल जाएगी। सेलेरियो, टियागो और रीड, बहुत सारी गाड़ियाँ आपको देखने को मिलेगी। वीडियो यहाँ से शुरू करते हैं और सबसे पहले आपको दिखाते हैं मारुति सुजुकी की सेलेरियो, जो कि 2018 मॉडल है और इसकी जो डिमांड रखी है 4.5 लाख की डिमांड रखी गई है। और आपको ये गाड़ी ऑटोमेटिक देखने को मिलेगी, पेट्रोल में देखने को मिलेगी, VXI वेरिएंट आपको इसमें देखने को मिलेगा। तो ये टायर की बात करें तो लगभग टायर जो है बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं और टायर आपको इसमें गाड़ी में नए डलवाने पड़ेंगे। 2018 मॉडल है, 4.5 लाख की इसकी डिमांड रखी गई है। फर्स्ट ओनर है और उसके बाद में तो बीमा किसी भी गाड़ी में आपको नहीं मिलेगा। जिस गाड़ी में आपको बीमा मिल जाए मैं आपको बता दूंगा। तो उस बाद ये दिखाते हैं ये कौन सा मॉडल है। तो सेम आपको इसमें देखने को मिलेगा 2018 मॉडल, 4.5 लाख की इसकी भी डिमांड है ये, लेकिन ये गाड़ी मैनुअल है, पेट्रोल में है और VXI वेरिएंट है। और ये गाड़ी की कंडीशन आप देखते हैं 2018 मॉडल 4.5 लाख की डिमांड में। तो इससे जो टायर है लगभग आपको आगे वाले दोनों नए देखने को मिलेंगे, पीछे वाले दोनों आपको कम देखने को मिलेंगे, 60-70 के आसपास का देखने को मिलेगा इसमें। तो ये गाड़ी कंडीशन अंदर से मैं आपको दिखा पाऊँ क्योंकि गाड़ी अंदर दबी हुई है, बहुत जल्दी जल्दी आपको वीडियो बना के सारी गाड़ी आपको मैं दिखा देता हूँ। तो लगभग 50-60 के आसपास का किलोमीटर इसमें देखने को मिल जाएगा, इस गाड़ी का 50-60 के अंदर होगा और इस गाड़ी का 50-60 के अंदर होगा। तो टाटा की टियागो दिखाते हैं आपको, 2018 मॉडल है, 3.5 लाख की इसकी डिमांड है, डीजल है। अच्छा, ये डीजल में आपको देखने को मिलेगी। उसके बाद में ये कंडीशन आप देख सकते हैं 2018 मॉडल। टायर की कंडीशन जो है लगभग 40% के आसपास टायर इसमें आपको देखने को मिल रहे हैं और येलो कलर में, लगभग गोल्डन कलर में इसको बोलते हैं, क्या बोलते गोल्डन येलो कलर के बोलते हैं इसको। इस कलर में आपको गाड़ी देखने मिलेगी। एमएच पासिंग है लेकिन एमपी तेरा करवा के देंगे। XM वेरिएंट आपको ये देखने को मिलेगा। फर्स्ट ओनर ये भी है, ये गाड़ी डीजल में है और इसका जो है डिमांड जो 3.5-3.5 के आसपास की डिमांड है, जो कि नेगोशियबल हो जाएगी, कम ज़्यादा हो जाएगी। चलिए आपको एक और गाड़ी दिखाते हैं जो कि हुंडई की एक्सेंट है, 2016 मॉडल है, एमएच पासिंग है, एमपी 13 करवा के देंगे। डिमांड क्या रखी गई, 4.5 लाख डिमांड है। एस वेरिएंट इसमें आपको देखने को मिलेगा, बेस से सेकंड मॉडल आपको इसमें देखने को मिलेगा और ये गाड़ी कंडीशन है, डीजल वेरिएंट है। 4.5 लाख की डिमांड ना, 4.5 लाख इसकी डिमांड रखी गई है और ये गाड़ी देख सकते हैं आप दोनों तरफ से। टायर की बात करें तो लगभग जो है 70% के आसपास का इसमें टायर आपको देखने को मिल जाएगा। कितना होगा सर, 65,000 किलोमीटर की गाड़ी लगभग शो कर रही है। उसके बाद में ये दिखाते हैं आपको हुंडई की ग्रैंड आई10, 2018 मॉडल है, डीजल वेरिएंट है। डिमांड क्या रखी गई इसकी, 5 लाख के आसपास की इसकी डिमांड रखी गई है, जो कि नेगोशिएबल है, कम ज़्यादा हो जाएगी। उसके बाद ये गाड़ी कलर है ऑरेंज कलर में आपको गाड़ी देखने को मिलेगी। टायर की बात करें तो लगभग 60% के आसपास का टायर आपको इसमें देखने को मिल जाएगा। मैग्ना वेरिएंट आपको ये देखने को मिलेगा डीजल में। तो इसकी जो डिमांड रखी गई है 4.5 लाख है ना, 4.5 लाख की डिमांड है, कम ज़्यादा हो जाएंगे बैठक पे। मारुति सुजुकी स्विफ्ट डिज़ायर टूर जो कि 2015 मॉडल है, 4 लाख की इसकी डिमांड रखी गई है, डीजल वेरिएंट है। और उसके बाद में टूर वेरिएंट आप जानते हैं, टूर वेरिएंट काफ़ी शानदार होता है ये और टूर एंड ट्रेवल के हिसाब से बहुत शानदार गाड़ी हो सकती है आपके लिए अगर आप यहाँ आएँ तो। 4 लाख की डिमांड में कम ज़्यादा हो जाएंगे। ये गाड़ी की कंडीशन आप देखते हैं आगे पीछे दोनों तरफ से, पीछे नहीं दिखा पाऊँ क्योंकि गाड़ी बहुत पीछे दबी हुई है और सारी गाड़ी दिखाते दिखा तो बहुत टाइम हो जाए, इसलिए मैं आपको जल्दी जल्दी में सारी गाड़ी सामने सामने से दिखा देता हूँ। 4 लाख की डिमांड है, 2015 मॉडल है, स्विफ्ट VDI वेरिएंट डिज़ायर टूर, 75,000 यानी 75,000 के आसपास का इसका किलोमीटर आपको देखने को मिलेगा। मारुति सुजुकी रीड्स आपको दिखाते हैं, 2012 मॉडल है और उसके बाद में LDI वेरिएंट आपको देखने को मिलेगा। डिमांड जो इसकी 2.5 लाख की डिमांड है, कम ज़्यादा हो जाएंगे बैठक पे। और जो इसके टायर है वो आगे के दोनों नए हैं, पीछे के दोनों टायर घिसे हुए हैं। तो ये गाड़ी कंडीशन है, गुजरात पासिंग है लेकिन आपको MP13 करवा के देंगे। ये गाड़ी आपको डीजल में देखने को मिलेगी 2.5 लाख की डिमांड में। फर्स्ट ओनर लगभग सभी गाड़ी आपको फर्स्ट ओनर देखने को मिलेगी। तो मैं आपको जो भी सेकेंड थर्ड होगी बता दूँगा।
फिर आपको दिखाते हैं मारुति सुजुकी स्विफ्ट 2008 मॉडल है, 225,000 की इसकी डिमांड है। सेकेंड ओनर है ये, आपको देखने को मिलेगी LDI वेरिएंट आपको देखने को मिलेगा, MP04 भोपाल पासिंग गाड़ी आपको देखने को मिलेगी। और जो टायर की बात करें तो 80% के आसपास का टायर आपको देखने को इसमें मिल जाएगा। तो ये गाड़ी कंडीशन है, लगभग 70,000 के आसपास का किलोमीटर इसमें आपको देखने को मिल जाएगा। और ये आप देख सकते हैं डीजल वेरिएंट में आपको ये गाड़ी देखने को मिल जाएगी। मारुति सुजुकी विटारा ब्रेजा आपको दिखाते हैं, 2018 का मैन्युफैक्चर है, 2019 में रजिस्ट्रेशन है। ZDI प्लस का वेरिएंट आपको देखने को मिलेगा, सबसे टॉप वेरिएंट देखने को मिलेगा और गाड़ी भी आपको उसी तरीके से टॉप देखने को मिलेगी। खूबसूरत कंडीशन में यहाँ पे गाड़ी रखी हुई है। तो खूबसूरत से मतलब ये है कि आप आइए, चेक करिए अच्छे से, मैकेनिक वगैरह ले आके चेक वगैरह करवा सकते हैं, शोरूम पर दिखा सकते हैं, आप अपने तरीके से आप पूरी तरीके से सेटिस्फाइड हो जाइए। और जो गाड़ी आपको देखने की वो मिलेगी, वो आपको हमेशा शानदार ही देखने को मिलेगी, जिस तरीके आपको सामने देखने को मिल रही है। ब्रेजा की इसमें सामने बेजिंग वगैरह देखने को मिलेगी और काफ़ी खूबसूरत गाड़ी आपको देखने मिलेगी। MP लोकल की गाड़ी है, MP16 की गाड़ी है और 2019 मॉडल है। 8.5 लाख की इसकी डिमांड रखी गई है और टायर वगैरह बिल्कुल अभी नए देखने को मिलेंगे इसमें। सारे टायर आपको बिल्कुल नए जैसी गाड़ी आपको नई देखने को मिलेगी। लगभग 50,000 किलोमीटर का इसमें आपको किलोमीटर देखने को मिलेगा। फर्स्ट ओनर गाड़ी है, रेड कलर में आपको ये गाड़ी देखने को मिल रही है और इसका बीमा नहीं है, इसका बीमा आपको करवाना पड़ेगा, आप अपने हिसाब से करा सकते हैं। तो ये भी आप देख सकते हैं विटारा ब्रेजा आपको खूबसूरत कंडीशन में आपको देखने को मिल जाएगी। चलिए अब आपको दिखाते हैं अगली गाड़ी। अब आपको दिखाते हैं यहाँ से हुंडई की एक्सेंट, 2018 मॉडल है, पेट्रोल वेरिएंट आपको पेट्रोल गाड़ी देखने को मिलेगी ये। और उसके बाद में 2018 मॉडल की डिमांड 5 लाख की इसकी डिमांड रखी गई है। और ये गाड़ी की कंडीशन आप देख सकते हैं चारों तरफ से, दोनों तरफ से मतलब बहुत अच्छी कंडीशन आपको सामने ही देखने को मिल रही है। साफ सुथरी कंडीशन है, लगभग 70-80% का इसमें आप 70% के आसपास का टायर इसमें आपको देखने को मिल जाएगा। तो पेट्रोल गाड़ी है, 2018 मॉडल है और इसकी डिमांड 5 लाख की इसमें आपको देखने को मिल जाएगी। वेरिएंट कौन सा है? S मॉडल है, बेस से सेकेंड का वेरिएंट आपको इसमें देखने को मिल जाएगा। फर्स्ट ओनर है, बीमा इसका नहीं है ना, बीमा नहीं मिलेगा। जैसे ये गाड़ी खुली तो आपको इसको एंट्री भी दिखाते हैं, चारों पावर विंडो, लोकल लॉक सिस्टम, मिरर भी एडजस्टेबल है। और ये गाड़ी कंडीशन किलोमीटर क्या होगा सर? लगभग 35,000 किलोमीटर के आसपास का इसमें किलोमीटर देखने मिलेगा और काफ़ी शानदार कंडीशन में गाड़ी रखी हुई है। फिर आपको दिखाते हैं हुंडई की एक्सेंट, 2016 मॉडल है और इसकी जो डिमांड है 4 लाख की इसकी डिमांड रखी गई है। ये सेकेंड से बेस वाला, बेस से सेकेंड वाला वेरिएंट आपको इसमें देखने को मिल जाएगा। और ये गाड़ी कंडीशन है काफ़ी खूबसूरत, शाइनिंग कंडीशन में गाड़ी खड़ी हुई है। 70% का टायर आपको दोनों आगे के मिल जाएंगे, लगभग पीछे के टायर आपको 50% से भी कम के इसमें देखने को मिल जाएंगे। तो ये गाड़ी की कंडीशन है, आप देख सकते हैं वाइट कलर में एक्सेंट, डीजल गाड़ी है ना, डीजल ये गाड़ी आपको डीजल में देखने मिली, ये गाड़ी आपको पेट्रोल में देखने को मिली थी, ये गाड़ी आपको डीजल में देखने मिली। 4 लाख की डिमांड में फर्स्ट ओनर। तो किलोमीटर क्या हुआ सर? 65,000 के आसपास का किलोमीटर इसमें आपको देखने को मिल जाएगा। 2012 मैन्युफैक्चर, 2013 का रजिस्ट्रेशन, 2013 मॉडल आपको ये अल्टो देखने को मिलेगी। सादी गाड़ी है और आपको ये गाड़ी कंडीशन देख सकते हैं आप। उसके बाद में सबसे बेस वेरिएंट आपको देखने को मिलेगा, पेट्रोल गाड़ी आपको देखने को मिलेगी। लेकिन इसमें बता दूँ कि आपको ओनर जो है वो चौथा ओनर, चार ओनर गाड़ी देखने को मिलेगी। MP43 लोकल रतलाम की गाड़ी आपको ये देखने को मिलेगी। और ये गाड़ी की कंडीशन आप देख सकते हैं, प्योर पेट्रोल गाड़ी है। 1,60,000 की इसकी डिमांड रखी गई है, जो कि 2013 मॉडल है। टायर की बात करें तो लगभग 50% टायर आपको देखने को मिल जाएगा इनसे। 2017 मॉडल आपको मारुति सुजुकी स्विफ्ट देखने को मिलेगी यहाँ पे, 5,25,000 की डिमांड है, डीजल गाड़ी है, फर्स्ट ओनर गाड़ी आपको ये देखने को मिलेगी। MH पासिंग है लेकिन MP13 करवा के देंगे। गाड़ी कंडीशन आप देखते हैं अच्छी खासी कंडीशन आपको देखने को मिलेगी। चारों टायर आपको लगभग नए जैसे, लगभग 80-90% आपको टायर इसमें देखने को मिलेंगे। किलोमीटर जो होगा इस गाड़ी का सब 55,000 के आसपास का किलोमीटर इसमें आपको देखने को मिलेगा। LDI वेरियंट आपको ये देखने को मिलेगी, 2017 मॉडल और 5,25,000 की डिमांड में। तो इस वीडियो का धमाकेदार आपको जो गाड़ी दिखाते हैं वो है MG हेक्टर, 2018 मॉडल आपको देखने को मिलेगी, टॉप वेरिएंट आपको देखने को मिलेगी, डीजल गाड़ी ये देखने को मिलेगी। और उसके बाद में ये गाड़ी कंडीशन देख सकते हैं, बिल्कुल चमचमाती न्यू कंडीशन में आपको ये देखने को मिलेगी। टायर भी इसमें आपको लगभग 70% के आसपास का टायर इसमें देखने को मिल जाएगा। इंटरनेट इनसाइड की इसमें कुछ बेचिंग वगैरह देखने मिलेगी। टॉप वेरिएंट है MG हेक्टर का ये, और ये गाड़ी कंडीशन है। सनरूफ वगैरह है कैसे? तो इसमें आपको सनरूफ भी देखने को मिल जाएगा, ये देख सकते हैं आप। और ये गाड़ी की कंडीशन है, अंदर से आपको कोई वक्त खोल के दिखा, ब्लैक और स्पोर्टी टाइप में आपको MG हेक्टर का ये आपको देखने को मिल जाएगा इंटीरियर। और ये देख सकते हैं आपको सारे जो टॉप वेरिएंट के हिसाब से आपको सारे कंट्रोल भी मिल जाएंगे इसमें, प्लस माइनस वॉल्यूम वगैरह। और ये क्रूज कंट्रोल मिल जाएगा ना,
क्रूज कंट्रोल वगैरह जैसे सिस्टम भी देखने मिल जाएगा, और एलसीडी का डिवाइस देखना आपको, इतना बड़ा एलसीडी आपको इसमें एमजी एक्टर में देखने को मिल जाती है। और ये गाड़ी है 5 सीटर गाड़ी आपको देखने को मिलेगी, और ये गाड़ी कंडीशन है 2018 मॉडल, और 18 लाख की इसकी डिमांड यहाँ पे रखी गई है, जो कि आपको देखने को मिलेगी डिसेंट कार बाजार में इसे। और इस तरीके से आपको मिलेंगे यहाँ पे मार्केट के अंदर ही आपको ऑफिस मिल जाएगा। और सर सर बात करते हैं सर फाइनेंस की सुविधा। फाइनेंस की सुविधा फुल उपलब्ध मिलेगी यहाँ पे, जो भी आदमी के कस्टमर के जिस हिसाब के पेपर होंगे उस हिसाब से उसको कस्टमर को यहाँ फाइनेंस की सुविधा उपलब्ध मिलेगी। जैसे कस्टमर आते हैं हमारे घर में, बहुत सारे ऐसे भी आते हैं जो ड्राइवर रहते हैं लोग, उनके ने हेवी लाइसेंस होता है, तो अगर हेवी लाइसेंस उनका पुराना होता है तो हम उस हेवी लाइसेंस के ऊपर भी उनको लोन प्राइवेट करा देते हैं। कम कंपनियाँ ऐसी हैं जो लाइसेंस पे भी करती हैं, लाइसेंस भी आपको मतलब यहाँ पे जो है फाइनेंस मिल जाएगा। फाइनेंस ज़्यादा लाइसेंस के ऊपर 50% फाइनेंस मिल जाएगा, लाइसेंस के ऊपर फाइनेंस 50%। हाँ, और बाकी अगर कस्टमर करने पेपर अच्छे हैं, इनकम टैक्स रिटर्न वगैरह, ज़मीन की पावती वगैरह, तो 80-90% लोन मिल जाएगा उसको। 90% आपको जैसे सरकारी सर्वेंट है तो सरकारी आदमी के ऊपर अभी मान के चले 90-95% लोन हो जाता है, लेकिन कस्टमर उस हिसाब का होना, उसके सिविल वगैरह ख़राब नहीं होना चाहिए। क्या होता है आज के तारीख में आदमी मोबाइल ले लेता है, उसको ध्यान देता नहीं है और उसमें सिविल ख़राब कर लेता है। कस्टमर का अगर पेपर अच्छे होंगे तो अपन 80-90% लोन करके गाड़ी दे देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अगर कस्टमर का कोई पेपर में प्रॉब्लम आती है तो उसमें हम लोग की कोई जवाबदारी नहीं। फाइनेंस हो जैसे गाड़ी खरीदने के लिए क्या क्या चीज़ लगेगी? गाड़ी के खरीदने के लिए फाइनेंस अगर आप लेकिन लेंगे तो फाइनेंस के लिए आपको 3 साल का इनकम टैक्स रिटर्न लगेगा, और पहले 6 महीने का बैंक का स्टेटमेंट लगेगा, और इनकी फोटोकॉपी लगेगी सारे पेपर की। और अगर आपके अगर इनकम टैक्स वगैरह नहीं है तो फिर आपको इसके अंदर लगेगा ज़मीन की पावती, कम से कम 10 बीघा हो तो आपको फाइनेंस हो जाएगा। आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस लगेगा इस चीज़ में, वो भी अभी ज़मीन की पावती इसलिए बढ़ा दी गई लॉकडाउन के बाद ये चीज़ें बढ़ा दी गई हैं, पहले ये चीज़ें नहीं थी, पहले नॉर्मल उसमें फाइनेंस हो जाया करता था। सर बात है सर, अगर यहाँ से कोई फाइनेंस वाला अपने गाड़ी खरीदता है अदर डिस्ट्रिक्ट से जी या अदर स्टेट से जी, तो अदर डिस्ट्रिक्ट वाले को क्या करना पड़ेगा? सर अदर डिस्ट्रिक्ट वाले को करना पड़ेगा या कैश पेमेंट में देके ले आना पड़ेगी, उसके लिए हम सुविधा ये कर देंगे कि जोन सी कंपनी हमारे यहाँ है, जैसे AU है, महिंद्रा है, FDFC है, ICICI है, जो भी कंपनी है टोटल, उन कंपनियों को हम यहाँ से लेके वहाँ तक के उनकी चेन बिठा देंगे, भाई यहाँ के अधिकारी से हम वहाँ खिलवा देंगे तो वहाँ उनको फाइनेंस आसानी से हो जाएगा। लेकिन यहाँ अपनों को फाइनेंस यहाँ नकद देना पड़ेगा, क्योंकि अदर स्टेट के अंदर क्या होता है यहाँ की स्टेट फाइनेंस नहीं करेगी, वहाँ की स्टेट करेगी, तो अपन वहाँ की स्टेट में उनको हेल्प करा देंगे उनके लिए फाइनेंस के लिए। तो ये थी यहाँ के ओनर सर से मैंने आपकी जो बात कराई, और उम्मीद है आपको सारी जानकारी यहाँ पे मिल गई होगी। और आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, तो लाइक करना करें, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है ना 50-60 किलोमीटर का सफ़र करके आप लोगों के लिए इस तरीके के वीडियो वगैरह बनाना और सही सही जानकारी आपके लिए प्रोवाइड कराना। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो कमेंट करके ज़रूर जाएं, आपके कमेंट से मुझे मोटिवेशन मिलता है, और साथ में वीडियो को शेयर भी करें। आप मध्य प्रदेश के लोगों को शेयर कर सकते हैं ताकि उनको मालूम पड़े कि यहाँ पर गाड़ियाँ वगैरह मिलती है इस तरीके से। रेट वगैरह आपको तय करना है, कम है ज़्यादा है, बार्गेनिंग आप किस तरीके से करते हैं उस तरीके से आप बार्गेनिंग करके आप अपने हिसाब से यहाँ पर जो है गाड़ी खरीदें। और उसके बाद में लास्ट बात ये है कि अगर आप यहाँ पे कोई भी गाड़ी खरीदने आते हैं, सबसे पहले तो आप मेरे YouTube चैनल का नाम लीजिए, तो आपको कुछ ना कुछ डिस्काउंट इंशाल्लाह ज़रूर मिलेगा।